चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.4 के सारे क्वेश्चन को बेसिकली समझेंगे। देखिए, इस एक्सरसाइज में आपको एक विधि जानना है, विलोपन विधि। इसके पहले वाले एक्सरसाइज में रैखिक समीकरण को हल करने का एक विधि पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था प्रतिस्थापन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। ये विलोपन विधि क्या होती है, सबसे पहले इस बात को हम लोग समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके क्वेश्चंस को, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 3.4 में आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सबको विलोपन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि देखिए, वो विलोपन विधि क्या होता है ध्यान देंगे और समझेंगे। देखिए, आपको दो समीकरण दिया रहेगा, क्या करना है, दोनों समीकरण को पहले को पहला समीकरण लेना है और दूसरा को समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है, आपको दो समीकरण दिया रहेगा क्योंकि आपका एक्सरसाइज ही चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो जब दो समीकरण आपको दियो तो विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे। देखिए, विलोपन विधि से कैसे हल करना है, इसके लिए दो तीन चरण अपनाएंगे। पहली बात क्या है कि यहाँ पर किसी एक पद को विलोप कर देंगे। विलोपन में विलोप का मतलब छुपाना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर x वाले पद को बराबर करना चाहता हूँ, तो x का गुणांक 1 है, तो x के गुणांक से समीकरण 2 में गुणा कर देंगे और यहाँ x के गुणांक से समीकरण 1 में गुणा कर देंगे। किसी एक को छुपा देंगे, विलोप करेंगे, मतलब या तो किसी एक पद को बराबर करना है, या तो x को बराबर करना है या नहीं तो y के गुणांक को बराबर करना है। पहली चरण ये रहेगी, ध्यान दीजिएगा। तो विलोपन विधि बहुत ही सिंपल विधि होती है, ये कोई हार्ड नहीं होता, सबसे सिंपल देखी जाए। देखिए, मान लीजिए इस समीकरण को हम विलोपन विधि से सॉल्व करना चाहते हैं, तो यहाँ पर या तो x वाले पद को बराबर कर सकते हैं या नहीं तो y वाले पद का गुणांक आप बराबर कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं x वाला पद बराबर कर रहा हूँ, x का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 छुपा, तो इस 1 से समीकरण 2 में गुणा कर दूंगा। यहाँ पर आते हैं, यहाँ x का गुणांक 2 है, तो इस 2 से गुणा किस में कर दूंगा, समीकरण 1 में। देखिए, x वाला पद बराबर मैं किया हूँ, आप y वाला भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, बेसिक चीज़ें जब समझ जाएंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, सो ध्यान देंगे। देखिए, तो x का गुणांक 1 था, समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है, तो 1 से मैं समीकरण 2 में गुणा कर दिया। यहाँ समीकरण 2 में x का गुणांक 2 था, तो इस 2 से समीकरण 1 में गुणा कर दिया। ठीक है ना, पहली चरण ये थी। अब दूसरी बात क्या है कि जिस पद को आप बराबर किए हैं उसको देखना है कि उसका चिन्ह क्या है, सेम है या अलग अलग है। देखिए, जब चिन्ह सेम होगा या तो प्लस प्लस नहीं तो माइनस माइनस, तो उस समय क्या करेंगे, घटा देंगे। और वही जब चिन्ह अलग अलग होगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस हो, तो उस समय क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो मैं x वाला पद बराबर किया हो तो x का चिन्ह प्लस है, यहाँ भी x का चिन्ह क्या है, प्लस है, इसका मतलब दोनों का चिन्ह सेम है, तो दोनों को घटा देंगे। लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 और गुना कितना है, 2, और घटाओ समीकरण 2 गुना 1। आखिर मैं इन दोनों समीकरणों को घटाया क्यों, क्योंकि मैं जिस पद को बराबर किया हूँ उसका चिन्ह देख रहा हूँ, दोनों का चिन्ह सेम है, जब सेम होगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। या तो प्लस प्लस हो नहीं तो माइनस माइनस हो, तो घटाना पड़ेगा, अलग अलग चिन्ह होगा तो जोड़ना पड़ेगा। चलिए, मैं दोनों समीकरणों को घटा दिया, समीकरण 1 में 2 से गुना करना, 2 से गुना करिए, 2 का जब x से गुना कर देंगे तो 2x प्लस, 2 का y से गुना कर देंगे 2y बराबर, 2 का 5 से गुना कर देंगे 10। अब चलिए समीकरण 2 में 1 से गुना करें, 1 का 2x से गुना कर देंगे 2x और 1 का माइनस 3x से 3y से गुना करेंगे माइनस 3y बराबर, 1 का 4 से गुना कर देंगे 4। अब देखिए, घटाए हैं तो घटाओ में चिन्ह चेंज अप होता है, 2x का चिन्ह प्लस है तो माइनस, 3y का चिन्ह माइनस है तो प्लस, और 4 का चिन्ह प्लस है तो माइनस। अब देखिए, यहाँ पर प्लस 2x या माइनस 2x क्या हो गया, कटिस हो गया। यहाँ पर 2y और 3y ये सब प्लस हो गया, तो 2y और 3y कितना हो गया, 5y अब बराबर है, 10 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा, 6। यहाँ पर y को छोड़कर 5 गुना में तो कहाँ चलाएगा, बटा में, इसलिए y का मान निकल गया 6/5। ठीक है, अब यही जो y का मान है या तो समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, आपका x का मान निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में ही रखते हैं, समीकरण 1 में x का बराबर y का मान निकला है, y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रख रहा हूँ यहाँ पर, तो समीकरण 1 क्या पर लिखिए, x प्लस वाई अब बराबर 5, x को छोड़िए अब प्लस y, y का मान कितना निकल गया, 6/5 अब बराबर 5। अब देखिए, x बराबर 5 है, प्लस 6/5 है, 6/5 इधर लाएंगे माइनस 6/5 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस है इधर लाऊंगा माइनस हो जाएगा। अब लसल जी 50 25 में 6 घटा देंगे, इसलिए x बराबर 25 में 6 घटाएंगे 19/5। तो यहाँ पर देखी जाए अगर, तो x का मान क्या आ गया, अतः x बराबर 6/5 और y बराबर नहीं, y का मान निकल गया 6/5 और x का मान निकल गया 19/5, ये निकल गया।
तो इस प्रकार हम लोग विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, किसी एक पद को बराबर करना है, या तो x को बराबर करना है नहीं तो y वाले पद को बराबर करना है। मैंने इस समीकरण में x वाले पद को बराबर किया, चलिए मैं आपको y वाले पद को भी बराबर करके दिखा रहा हूँ। आप किसी भी पद को बराबर करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा। चलिए अभी मैं इसी समीकरण को उठा रहा हूँ, इसमें x वाले पद को बराबर किया हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से जी, ठीक है। चलिए इसी समीकरण को लिख रहा हूँ, समीकरण था x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण था 2x माइनस 3y और बराबर 4, ठीक है। ये समीकरण 1 मान लीजिए और ये लीजिए समीकरण 2। अभी मैं x वाले पद को बराबर किया था, मैं y वाले पद को बराबर करूँ, देखिए y का गुणांक 1 है तो 1 का गुणा कर देंगे समीकरण 2 से, यहाँ y का गुणांक 3 है तो गुणा कर देंगे समीकरण 1 में 3 से, ठीक है ना। मैंने गुणांकों को बराबर किया, उसके बाद देखिए y का चिन्ह प्लस है और यहाँ y का चिन्ह माइनस है, ये दोनों चिन्ह अलग अलग है। अभी मैं आपको बताया था कि जब चिन्ह सेम होंगे या तो प्लस प्लस नहीं तो माइनस माइनस, तब क्या करेंगे समीकरण को घटाते हैं। वही चिन्ह अलग अलग होगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस होगा तो क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो इन दोनों समीकरण को जोड़ दूंगा क्योंकि मैं जिस पद को बराबर किया हूँ उसका चिन्ह अलग अलग है। चलिए समीकरण 1 गुना 3 प्लस समीकरण 2 गुना 1, तो समीकरण 1 में 3 से गुना करिए, 3 का x से गुना कर देंगे 3x प्लस 3 का y से गुना कर देंगे 3y, 3 का 15 5 से गुना कर देंगे 3 5 15, 1 से गुना करते हैं 2x माइनस 1 का 3y से गुना कर 3y बराबर 1 का 4 से गुना कर देंगे 4। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो जोड़ में नो चिन्ह चेंजअप, मतलब जोड़ में चिन्ह का चेंजअप नहीं होता, चिन्ह चेंजअप नहीं करते, जो कहते हो छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर प्लस 3y और यह माइनस 3y क्या हो गया, कटिस हो गया। 3 को x और 2 को x कितना हो गया, 5x हो गया। अब 15 4 कितना हो गया, 19 हो गया। इसलिए यहाँ पर देखिए x को छोड़कर 5 गुना में इधर कहाँ चलाएगा बटा में, तो 19 अब बटा कितना हो जाएगा 5, तो x का मान कितना निकल गया 19/5। अब यही x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, आपको y का भी मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, या x x का मान कितना निकाल चुके हैं 19/5 और प्लस वाई बराबर 5, y को छोड़िए 5, आई प्लस 19/5 है इधर लाएंगे तो माइनस 19/5, 5 को इधर लाएंगे 50 25, और 25 में से 19 घटा देंगे, 25 में से 19 घटा देंगे कितना बचेगा 6, इसलिए 6/5। यानी यहाँ भी आपको x का मान क्या देखने को मिल जाता है, x बराबर 6/x बराबर आपको निकल गया 19/, यहाँ x का मान था ये, x का मान 19/5 और यहाँ पर y का मान कितना निकल गया 6/5। देखिए किसी भी पद को आप बराबर करेंगे, या तो x वाले पद को नहीं तो y वाले पद को बराबर करेंगे, तो भी x का x और y का मान आपका सेम आएगा। इस बात को ध्यान रखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे अच्छा रहेगा। देखिए विलोपन विधि में 2-3 स्टेप बस ध्यान देना है। पहली बात, किसी एक पद को बराबर करना है, या तो x वाले पद को बराबर करना है नहीं तो y वाले पद को बराबर करना है। अब जिस पद को आप बराबर करते हैं उसका चिन्ह देखना है, यदि चिन्ह सेम होगा जैसे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो घटा देंगे, वही चिन्ह अलग अलग होगा प्लस भी हो या माइनस हो, मतलब प्लस या माइनस या माइनस या प्लस हो तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब देखिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और इसके द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करके विलोपन विधि को सिंपल से सिंपल तरीका से हम लोग समझते हैं। चलिए इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं इसको मिटका रहा हूँ। अब अपने एक्सरसाइज की ओर चलिएगा जी, अब देखिए 3.4 निकालिए, किताब खोलिए और पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। मतलब जो आपका 3.4 दिया है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 को विलोपन विधि से भी हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, दोनों विधियों से हल करना है, विलोपन से भी और प्रतिस्थापन से भी। तो चलिए सबसे पहले विलोपन से हल करते हैं, फिर उसको प्रतिस्थापन से हल कर देंगे। देखिए पहली बात कि किसी भी विधि से आप हल करेंगे ना तो x और y का मान सेम ही आएगा, चाहे आप विलोपन से हल करें, चाहे प्रतिस्थापन से हल करें, या अगले एक्सरसाइज में आपको वर्ज गुणन विधि पढ़ना है उससे भी हल करेंगे तो x y का मान सेम ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आप प्रतिस्थापन से हल करेंगे तो x का कुछ और माना जाएगा, y का कुछ और मानेगा, विलोपन से करेंगे तो x y का कुछ और मानेगा, ऐसा नहीं है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ठीक है ना। समीकरण आपको दिया है, देखिए पहले समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। अभी मैं इसको एग्जाम्पल में लेकर आपको समझा चुका हूँ, एग्जाम्पल में, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसको विलोपन से भी हल करना, प्रतिस्थापन से भी हल करना है। इस पहला को पहले समीकरण 1 ले लेंगे, इसको लेकर चलेंगे समीकरण 2।
अब देखिए क्या है ना, विलोपन विधि से हल करना। कौन सा विधि से? लिख दीजिए विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि क्या कहती है? किसी एक पद को बराबर करो। मैं यहाँ पर वाई वाले पद को बराबर कर रहा हूँ। आप फ्री हैं, आप एक्स को भी बराबर कर सकते हो, वाई को भी बराबर कर सकते हैं। यहाँ वाई का गुणांक वन छुपा है तो समीकरण टू में वन से गुना कर देंगे। यहाँ वाई का गुणांक थ्री छुपा है तो समीकरण वन में थ्री से गुना कर देंगे। अब जब गुणांक बराबर करेंगे तो उसके बाद चिन्ह देखेंगे उसका। यहाँ वाई का चिन्ह प्लस है, यहाँ वाई का चिन्ह माइनस है, नहीं दोनों चिन्ह अलग अलग है, इसका मतलब जोड़ देंगे। तो समीकरण वन गुना थ्री प्लस समीकरण टू गुना वन। चलिए समीकरण वन में थ्री से गुना करिए, थ्री एक्स और थ्री का वाई से गुना करेंगे, थ्री वाई आप बराबर पंती आई पंद्रह। एक का गुना करेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा, टू एक्स माइनस थ्री वाई। एक का चार से गुना कर देंगे चार। यहाँ टू एक्स का चिन्ह प्लस है, जोड़ में दोनों चेंजअप होता है, चिन्ह चेंजअप नहीं कर सकते, घटाओ में चिन्ह चेंजअप करना पड़ेगा। यहाँ प्लस थ्री वाई माइनस थ्री वाई कटिस हो गया, तीन को एक्स दो को एक्स कितना हो गया पाँच एक्स बराबर पंद्रह चार उन्नीस। यहाँ एक्स को छोड़कर पाँच गुना में इधर चलाएगा बटा में, इसलिए एक्स का मान निकल गया उन्नीस बटा पाँच। ये जो एक्स का मान है समीकरण वन या टू में रख दीजिए, समीकरण वन वन में एक्स का मान रखने पर। समीकरण वन में, समीकरण वन क्या लिख दीजिए पहले, एक्स प्लस वाई बराबर फाइव। एक्स का मान कितना निकल गया उन्नीस बटा फाइव और प्लस वाई बराबर फाइव। अब देखिए y को छोड़िए यहाँ पर बराबर 5, ये प्लस उन्नीस बटा फाइव है, इधर लाएंगे तो माइनस उन्नीस बटा फाइव, इसलिए y बराबर 5 को इधर लाएंगे पचास पच्चीस, भिन्न का घटा हुआ था ना, बना लीजिएगा पचास पच्चीस, पच्चीस में से उन्नीस घटेगा बचेगा 6 बटा फाइव। अतः x का मान उन्नीस बटा फाइव और y का मान 6 बटा फाइव। तो इस प्रकार हमने सॉल्व कर दिया इसको विलोपन से। अब देखिए इसको विलोपन से भी सॉल्व करना था और प्रतिस्थापन से भी सॉल्व करना था, तो ठीक इसके पिछले वाले एक्सरसाइज में आपको प्रतिस्थापन विधि से समझाई गई है, तो चलिए इसको प्रतिस्थापन से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए प्रतिस्थापन का क्या शर्त था, उसका भी दो तीन चरण था। पहला चरण यह था कि किसी एक समीकरण को उठाना है और वहां से किसी एक पद का मान निकालना है, या तो एक्स का मान निकालना नहीं तो वाई का मान निकालना है। वही एक्स या वाई का मान समीकरण वन या टू में आपको पुट कर देना है, वहां से किसी एक पद का मान आता है वो मान समीकरण तीन में रख देते हैं। आपको समझाई गई है, ठीक है ना। पिछला एक्सरसाइज यदि आप अच्छी तरह से समझे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से, अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। देखिए प्रतिस्थापन विधि से पहला समीकरण उठाते हैं, समीकरण वन चलेंगे। अब चलेंगे समीकरण, अब समीकरण वन से, समीकरण वन क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर फाइव। यहाँ से किसी एक पद का मान निकाल लीजिए, इसलिए एक्स बराबर फाइव प्लस वाई को चलाएंगे माइनस वाई, इसको लेकर चलेंगे समीकरण तीन, ठीक है। समीकरण वन उठाकर किसी एक पद का मान निकाल लेते हैं, तो मैं समीकरण वन उठा लिया और वहां से एक पद का मान निकल गया, एक्स का मान निकल गया फाइव माइनस वाई। ये जो एक्स का मान निकल गया समीकरण टू में पुट कर देंगे, समीकरण टू में एक्स का मान रखने पर। समीकरण टू में, समीकरण टू क्या है, टू एक्स माइनस थ्री वाई अब बराबर फोर। अब चलिए टू अगुना क्या है, एक्स है, एक्स का मान क्या रखेंगे, टू इंटू एक्स, टू इंटू एक्स, एक्स का मान निकल गया फाइव माइनस वाई अब बराबर फाइव माइनस वाई अब माइनस थ्री वाई अब बराबर फोर। अब टू से गुना करें दो पच्चीस कितना हो जाएगा दस, अब घटाव दो का वाई से गुना करें दो वाई अब माइनस थ्री वाई अब बराबर चार। अब देखिए यहाँ दस है माइनस दो को वाई, माइनस तीन को वाई कितना हो गया माइनस पाँच वाई अब बराबर हो गया चार। अब देखिए यहाँ पर दस है प्लस चार है, इसको बराबर के पहले लेंगे तो माइनस चार हो जाएगा, माइनस फाइव वाई को बराबर के बाद लेंगे तो हो जाएगा प्लस फाइव वाई। अब देखिए यहाँ पर दस में से चार घटेगा छः अब बराबर पाँच वाई, वाई को पाँच गुना में इधर, वाई को छोड़कर पाँच गुना में इधर कहाँ चलाएगा बटा में, यह हो जाएगा छः अब बटा पाँच अब बराबर वाई, इसलिए वाई का मान निकल गया आपका छः बटा पाँच। यहाँ जो y का मान आया ये समीकरण तीन में पुट कर देंगे तो निकल जाएगा आपका x का मान, ये होता है प्रतिस्थापन विधि। चलिए समीकरण तीन में y का मान रखने पर,
समीकरण तीन में वाई का मान रखिए, क्या समीकरण तीन में वाई का मान रख देते हैं। चलिए समीकरण तीन क्या, देखिए समीकरण तीन है एक्स बराबर फाइव माइनस वाई, ध्यान देंगे फाइव अघटाओ वाई, वाई का मान निकल गया सिक्स बटा फाइव, क्रिया कर दीजिए पाँच को दिलाएंगे भिन्न का घटा तो आती होगी, पचास पच्चीस, पच्चीस में से छः हो गया उन्नीस अब बटा पाँच, अतः एक्स का मान निकल गया उन्नीस बटा पाँच और वाई का मान निकल गया आपका सिक्स बटा फाइव। तो इस प्रकार सॉल्व हो गया आपका ये प्रतिस्थापन विधि से। तो ये था विलोपन विधि और ये था प्रतिस्थापन विधि। आप किसी भी विधि से सॉल्व करेंगे, देखिए x का y का मान, x का भी मान वही है जो यहाँ पर है, मतलब x y का मान किसी भी विधि से सॉल्व करेंगे आपका सेम का सेम आएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर टू। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर टू। वन का टू नंबर देखिए, टू नंबर दिया थ्री एक्स प्लस फोर वाई, थ्री एक्स प्लस फोर वाई बराबर दस, और इसका दूसरा समीकरण है टू एक्स माइनस टू वाई अब बराबर टू। ठीक है, इसको भी विलोपन विधि से सॉल्व करना है और प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। चलिए पहले को समीकरण वन ले लेंगे और दूसरा को ले लेंगे समीकरण टू। तो विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि का पहला चरण है कि समीकरण मतलब किसी एक पद को आपको बराबर करना है, या तो एक्स वाला पद नहीं तो वाई वाला पद। ठीक है ना, मैं यहाँ पर वाई वाला पद बराबर कर रहा हूँ, आप एक्स वाला भी पद बराबर कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। वाई का गुणांक चार है तो समीकरण फोर टू में चार से गुना कर देंगे, यहाँ पर वाई का गुणांक टू है तो समीकरण वन में टू से गुना कर देंगे। अब जिस पद को आप बराबर किए हैं, वाई वाला बराबर किया है, तो उसका चिन्ह देखिए, वाई का चिन्ह प्लस है, यहाँ वाई का चिन्ह क्या है माइनस है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, इसका मतलब दोनों को जोड़ देंगे। जोड़िए समीकरण वन अगुना टू अ प्लस समीकरण टू अगुना फोर। तो समीकरण वन में दो सौ गुना करना है, करिए दो तिहाई छः एक्स प्लस दो चौके आठ वाई अब बराबर दस दूना बीस। अब समीकरण टू में फोर से गुना करिए, चार दूना आठ एक्स माइनस चार दूना आठ वाई अब बराबर चार दूना आठ। ठीक है, अब देखी जाए मैं जो रहा हूँ तो जोड़ में नो चेंजअप होता है, चिन्ह चेंजअप नहीं कर सकते हैं। प्लस एट वाई माइनस एट वाई कट डिस हो गया, यहाँ छः को एक्स और आठ को एक्स कितना हो गया चौदह एक्स अब बराबर बीस, आठ कितना हो गया अट्ठाईस। यहाँ देखिए यहाँ एक्स का गुणांक मतलब एक्स का गुणांक चौदह, एक्स को छोड़कर चौदह गुना में कहाँ चलाएगा बटा में, तो चौदह अट्ठाईस अब बटा हो जाएगा चौदह, तो चौदह दुना अट्ठाईस, इसलिए एक्स का मान निकल गया टू। ये जो एक्स का मान है समीकरण वन में पुट कर दीजिए, वाई का मान निकल जाएगा। समीकरण वन में एक्स का मान रखने पर, समीकरण वन में x का मान रखिए। ठीक है, समीकरण वन क्या है थ्री एक्स प्लस फोर वाई बराबर दस, थ्री गुना एक्स, एक्स का मान कितना पुट करेंगे दो, x का मान दो निकला है अब प्लस फोर वाई अब बराबर दस, तीन दुना छः अब प्लस हो गया फोर वाई अब बराबर दस। अब देखिए फोर वाई को छोड़ दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, दस प्लस छः को इधला दूंगा माइनस छः हो जाएगा, तो फोर वाई बराबर दस में से छः घटेगा चार, यहाँ वाई को छोड़कर चार गुना में इधर कहाँ चलाएगा बटा में, तो वाई बराबर गया चार अब बटा चार, तो चार एकम चार, इसलिए यहाँ से वाई का मान निकल गया वन, वाई का मान निकल गया वन। तो देखने को क्या मिल रहा है कि अतः एक्स का मान टू निकल गया, वाई का मान वन निकल गया। तो इस प्रकार ये सॉल्व हो गया विलोपन विधि से। अब इसी को सॉल्व करना आपको प्रतिस्थापन विधि से भी बनाना है। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, किसी एक समीकरण को लेकर चलते हैं और वहां से किसी एक पद का मान निकालते हैं। चलिए समीकरण वन से, अब समीकरण वन से, समीकरण वन क्या थ्री एक्स प्लस फोर वाई अब बराबर दस। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं किसी एक पद का मान निकालते हैं, एक्स का मान निकाले दस है प्लस फोर वाई को चला देंगे माइनस फोर वाई, इसलिए x का मान निकालिए, x को छोड़कर तीन गुना में इधर कहाँ चलाएगा बटा में, तो 10 माइनस फोर वाई बटा हो जाएगा तीन, इसको लेकर चलेंगे समीकरण तीन। ठीक है, वन टू पहले से मौजूद है, इसको समीकरण तीन ले लीजिए। अभी जो x का मान है समीकरण टू में पुट कर दिए, तो चलते हैं समीकरण टू में x का
मान रखने पर। तो समीकरण टू क्या पर लिख लीजिए, समीकरण टू है 2x - 2y = 2। एक काम करें, यहाँ पर दो कमन है, दो कमन ले लीजिए, दो कमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स और माइनस वाई अब बराबर 2। अब यहाँ दो गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई अब बराबर 2/2, 2 एकम 2, इसलिए आपके यहाँ से एक समीकरण बन रहा है एक्स माइनस वाई बराबर 1। अब एक्स का मान पुट कर दीजिए, एक्स का तो मान आप निकाल चुके, एक्स का मान पुट करो, एक्स का मान कितना निकाला 10 - 4y / 3, ठीक है ना। एक्स का मान फिर घटाओ वाई है तो वाई अब बराबर 1। अब भिन्न का घटाओ बना लेते हैं, 3 को इधर ला देंगे तो हो जाएगा 10 - 4y - 3y अब बटा हो जाएगा आपका लसा 3 = 1। अब यहाँ ये 3 गुना में भागा में इधर कहाँ चलाएगा, गुना में, तो यहाँ बचेगा 10 - -4y - 3y हो जाएगा -7y अब बराबर 1 × 3, ये 3 भागा में तो इधर चलाया गुना में। अब देखिएगा 10 - 7y बराबर 1 का 3 से गुना कर देंगे 3 हो जाएगा, यहाँ 10 है प्लस 3 को इधर ला देंगे माइनस, प्लस 3 को इधर लाएंगे -3, -7y को इधर ला जाएंगे +7y, यहाँ 10 में से 3 घटेगा 7 अब बराबर हो गया 7y। अब देखिए यहाँ पर y कुछ होगा 7 गुना में इधर कहाँ चलाएगा बटा में, तो 7/7 बराबर हो गया y, तो 7 एकम 7, इसलिए y का मान निकल गया आपका 1। ये जो y का मान निकल गया 1, इसको समीकरण 3 में पुट कर देते हैं तो आपका x का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण तीन क्या है, x बराबर 10 - 4y / 3, तो 10 - 4 × y, y का मान कितना निकल चुका है 1 / 3। अब देखते हैं 10 - 4 × x = 4 कर देंगे 4 / 3, 10 में से 4 घटेगा 6 / 3, 3 ना कितना निकल गया 6 / 2, इसलिए यहाँ पर आपको x y का मान निकल गया, x का मान 2 निकल गया, y का मान निकल गया 1। तो विलोपन विधि से भी x का मान निकला 2 और y का मान निकल गया 1। तो प्रतिस्थापन या विलोपन किसी भी विधि से सॉल्व करेंगे तो xy का मान सेम ही आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3। देखिए 1 का 3 क्या दिया, 1 का 3 में एक समीकरण ये दिया है और ये दूसरा समीकरण ऐसे दिया है, इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बराबर के बाद 0, तो इसको भी बराबर के बाद 0 बना लेते हैं, सबको बराबर के पहले खींच कर। चलिए बनाइए, इसलिए हो जाएगा ये 9x + 2y को दिला देंगे -2y, +7 को दिला देंगे -7 अब बराबर हो जाएगा 0, इसको लेकर चलेंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, मतलब विलोपन विधि से इसको सॉल्व करना है, विलोपन दो विधियों से सॉल्व करना है, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से क्या होता है, किसी एक पद को बराबर करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर x वाले पद को बराबर कर रहा हूँ, अभी तो मैं 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया, वो आपको सॉल्व किया वाई वाले पद को बराबर किया, इस बार एक्स वाले पद को बराबर कर रहा हूँ। यहाँ एक्स का गुणांक 3 है तो 3 से गुना कर देंगे इसमें, यहाँ एक्स का गुणांक 9 है तो इसमें गुना कर देंगे 9 से, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर देख रहा हूँ जिस पद को बराबर किया उसका चिन्ह देखिए, इसका चिन्ह प्लस है, यहाँ भी चिन्ह प्लस है, दोनों चिन्ह सेम है, इसका मतलब दोनों को घटा देंगे। तो समीकरण 1 × 9 / समीकरण 2 × 3, ठीक है ना। समीकरण 1 में 9 से गुना करो, 9 का 3 से गुना करें, 27x + 9 + 5 = 45y / 9 * 36 अब बराबर 0 का 9 से गुना करेंगे 0, यहाँ 3 से गुना करना है, 3 × 9 = 27x / 3 का 2 = 3 × 6y / 3 * 7 = 21 अब बराबर 0 का 3 से गुना कर देंगे 0, ठीक है। घटाया हो तो चिन्ह चेंज अप करना पड़ेगा, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका चिन्ह माइनस है तो प्लस, इसका चिन्ह माइनस है तो प्लस, और यहाँ तो 0 में चिन्ह चेंज अप, मतलब 0 का तो कोई चिन्ह ही नहीं होता, ना तो प्लस ना तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये +27x - 27x क्लियर हो गया, कट गया, यहाँ 6 को y में से 45 को y घटा देंगे तो बचेगा -39y, यहाँ 21 में से 21 प्लस है, 21 में से 36 घटाएंगे तो -15 बराबर हो जाएगा 0, यहाँ देखिए जाए -39y बराबर है -15 को बराबर के बाद ले जाएंगे तो +15 हो जाएगा, यहाँ पर -39 गुना में इधर चलाएगा बटा में तो y बराबर 15 बटा हो जाएगा -39, 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 39, इसलिए y का मान निकल गया -5/13। ये जो y का मान निकल गया समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, आपका निकल जाएगा x का मान, रखते हैं 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रख रहे हैं, समीकरण 1 क्या है 3x - 5y - 4 अब बराबर 0। अब देखिए 3x - 5 / y का मान निकल गया -5/13 - 4 = 0। अब देखते हैं इस साइड देखेंगे ध्यान से, या 3x यहाँ देखिए माइनस का माइनस से गुना कर देंगे प्लस, ठीक है, 50 कितना हो गया 25/13 / 4 अब बराबर हो गया 0।
3x, माइनस चार को इधर ला देंगे प्लस चार, ये प्लस प्लस 25/13 इधर ला देंगे तो जाएगा माइनस 25/13। अब देखिए 3x बराबर 13 को इधर लाएंगे, भिन्न का घटाव बने, तिरछों का 52, 52 में से 25 घटा देंगे, तिरछों का 52, अब 52 में से 25 घटा देंगे कितना बचेगा 39 घटे यहाँ पर, तिरछों का 52, ठीक है, तिरछों का 52, अब 52 में से क्या घटा देते हैं 25 घटा देते हैं, 12 में से 5 घटेगा 7 बचेगा, और यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, कितना बचेगा 27 बचेगा आपका, ठीक है ना, तिरछों का 52, 52 में से 25 घटेगा 27, अब बटा हो गया 13, यहाँ 3 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो हो जाएगा x बराबर 27 अब बटा 13 और गुना हो जाएगा 3, 3 से काट दीजिए 3 नवा 27, इसलिए x का मान निकल गया 9/13, अतः x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13, तो इस प्रकार आपका विलोपन विधि से यह सल्व हो गया। अब फिर इसको सब करना है प्रतिस्थापन विधि से भी, चलिए सल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से चलते हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है कि यहाँ पर एक समीकरण उठाकर चलना है, मतलब समीकरण 1 उठाकर चल देना है, समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या 3x माइनस 5y माइनस 4 अब बराबर 0, यहाँ से किसी एक पद का मान निकाल लो, मान लो मैं x का मान निकालना चाहता हूँ, 3x को छोड़िए, यहाँ माइनस 4 को इधर लाऊंगा प्लस 4, माइनस 5y को इधर लाऊंगा प्लस 5y, ठीक है ना, यहाँ से x का मान निकल जाएगा, x को छोड़कर 3 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो x बराबर हो जाएगा 4 और प्लस 5y बटा हो जाएगा 3, इसको लेकर चलूंगा समीकरण 3। अभी जो x का मान आएगा समीकरण 2 में पुट कर देंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या देखिए यहाँ पर 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0, चलिए 9 अगुना x है, x का मान निकाल चुके हैं 4 प्लस 5y बटा 3, ठीक है ना, और घटाओ 2y माइनस 7 बराबर 0, यहाँ कटिए 3 3 की 9, 3 इंटू में बचा 300 गुना कर दीजिए, 3 का 400 गुना करेंगे 3 × 4 = 12, और 3 5 15y घटाओ 2y माइनस 7 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 12 में से 7 घटा देंगे बचेगा 5, ठीक है, अब प्लस 15 को y में से 2 को y घटा देंगे तो बचेगा 13y अब बराबर हो गया 0, यहाँ एक काम करते 13y को छोड़ दीजिए, ये प्लस 5 है, इसको बराबर के बाद लेंगे तो माइनस 5, इसलिए y का मान निकल जाएगा, y को छोड़कर 13 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो माइनस 5 बटा निकल गया 13, y का मान निकल गया माइनस 5/13। अभी जो y का मान निकल गया समीकरण 3 में रख देंगे, x का मान निकल जाएगा, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में क्या है x बराबर 4 प्लस 5y बटा 3। अब देखते बुआ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर या x बराबर क्या है 4 प्लस 5y, 5 गुना y का मान कितना निकल गया माइनस 5/13, और इसका होल बटा कितना है 3 है, क्रिया करिए यहाँ पर 4 प्लस माइनस माइनस अब 50 कितना है 25 बटा 13 इसका होल बटा 3, यहाँ पर क्रिया करता हूँ डायरेक्ट, क्या हो जाएगा 53 × 52 52 में से ये 25 घट जाएगा बचेगा 27 अब बटा हो जाएगा 13 और इसका होल बटा कितना है 3 है, ठीक है ना। अब देखिए बुआ यहाँ 27 13 नीचे चलाएगा तो हो जाएगा 3 × 13 कट जाएगा 3 नवा 27, इसलिए x का मान निकल गया आपका 9/13, अतः x का मान 9/13 और y का मान -5/13, तो इस प्रकार आपका सल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 3। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4, चलिए जा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या दिया है, 1 का 4 दिया है x बटा 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1, ये पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण क्या दिया वो देखिए, दूसरा समीकरण दिया x माइनस वाई बटे 3 अब बराबर 3, इसको लेकर चलेंगे समीकरण 2, ये दो समीकरण आपको क्या किया है दे दिया है, ठीक है। अब इन दोनों को विलोपन विधि से भी सॉल्व करना है और प्रतिस्थापन से भी सॉल्व करना है, चलिए सबसे पहले विलोपन से इसको सॉल्व कर देते हैं, विलोपन
विधि से, ठीक है ना। विलोपन विधि में किसी एक पद को बराबर करते हैं। मान लो कि मैं वाई वाला पद बराबर करना चाहता हूँ, समीकरण वन में आइए। समीकरण वन में वाई का गुणांक 2/3 है, तो समीकरण तीन में गुणा कर दूंगा 2/3 से, ठीक है ना। समीकरण दो में गुणा कर दूंगा 2/3 से। यहाँ वाई का गुणांक ऊपर 1 छुपा 1/3 है, समीकरण वन में गुणा कर दूंगा 1/3 से, ठीक है ना। मैं वाई का गुणांक बराबर किया, अब दोनों का चिन्ह देखूंगा, यहाँ वाई का चिन्ह प्लस, यहाँ वाई का चिन्ह माइनस, अलग अलग है, इसका मतलब जोड़ देंगे। चलिए समीकरण 1 × 1/3 देख सकते हैं आप, प्लस समीकरण 2 × 2/3। समीकरण 1 में 1/3 से गुणा करना है, तो गुणा करें 1/3 से, तो x का 1 से गुणा कर देंगे 1 हो जाएगा, और 2 का 3 से गुणा कर देंगे 6, प्लस यहाँ 2 का 2 1 से गुणा कर देंगे 2y, अब बटा 3 का 3 से गुणा कर देंगे 9, अब बराबर -1 का गुणा कर देंगे 1/3 से, तो -1/3 हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, x का गुणा 2/3 से गुणा करना है, तो हो जाएगा 2x/3 माइनस, यहाँ वाई का 2 से गुणा कर देंगे 2y, और 3 कितना हो जाएगा 9, अब बराबर यहाँ देखिए, यहाँ 3 का गुणा करना है, 3 × 2/3 गुणा करना है, 3 कटिस हो जाएगा, काट कपट के आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। अब इसको जोड़ा हूँ, तो इसमें नो चिन्ह चेंजअप, जोड़ में चिन्ह चेंजअप होता ही नहीं है। यहाँ +2a/9 -2a/9 ये कटिस हो जाएगा, ठीक है, कटिस हो गया, क्योंकि प्लस माइनस। अब यहाँ पर 1/6 और 2x/3 जोड़ना है, 1/6 और +2x/3, अब बराबर यहाँ क्या है, यहाँ -1/3 या +2, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर लसल लेता है, 6 और 3 का लसल लूंगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 का टेबल कितना बार पढ़ूंगा कि 6 आएगा, एक बार 1 का 1 से गुणा कर दूंगा x, यहाँ पर 3 का टेबल 2 बार पढ़ूंगा, 2 का 2 से गुणा कर दूंगा 4x हो जाएगा। यहाँ इधर लाते हैं 3 × 6, तो 6 में से 1 घटा देंगे, बचेगा 5, अब बटा ये हो जाएगा 3, इसका क्रिया में डायरेक्ट ठीक कर दिया। अब देखिए 1 x और यहाँ पर 4 x कितना हो जाएगा 5x, अब बटा 6, अब बराबर 5/3, ओके। यहाँ पर देखिए 6 भागा में इधर कहाँ चला जाएगा गुना में, इधर बचेगा सिर्फ 5x, तो 5/3 गुना हो गया 6, 3 से कटिस हो गया 3 × 6, तो कितना बच गया यहाँ पर 5x, अब बराबर 5 × 2 बच गया था, 5 × 2 कितना हो गया 10 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा इधर थोड़ा सा, यहाँ पर x कुछ होगा 5 × में, इधर कहाँ चलाएगा बटा में, तो हो जाएगा 10 अब बटा 5, 5 × 10, इसलिए x का मान निकल गया आपका 2। ये जो x का मान आएगा समीकरण किस में पुट करते हैं, 1 या 2 में, रख दीजिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखिए, समीकरण 1 क्या है, x/2 और +2y/3 बराबर -1। अब देखिए x है, x का मान कितना निकला है देख सकते हैं, x का कितना मान निकला है, x का मान निकाल लिया आप 2, या x का मान भी निकाल लिया 2, यहाँ पे x से ऊपर रख देगा 2 और बटा में 2 है, +2y/3 बराबर -1, एक कटिस होगा 2 एकम 2, तो बच गया 1 और +2y/3 बराबर -1। अब देखिए ये +1 है, इसको इधर देंगे -1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2y/3 -1, +1 को इधर देंगे -1। अब देखिए 2y/3 बराबर -1 -1 -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 भागा में इधर चलाएगा गुना में, तो हो जाएगा 2y बराबर -2 और गुना हो गया 3, ठीक है। अब यहाँ पर साइड में जैसा मैं क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसके बाद इधर आ रहा हूँ, यहाँ पर क्या बचा 2y बराबर, यहाँ पर 3 का -2 से गुना कर दूंगा -6 हो जाएगा, यहाँ पर y को 6 का 2 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो -6/2 हो गया, द्वितीय 6, इसलिए y का मान निकल गया -3, तो अतः x का मान निकल गया 2 और y का मान निकल गया -3। तो ये था विलोपन विधि से, अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना, अपना ध्यान से अच्छा से उतारेंगे। अब देखिए इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर समीकरण 1 उठाकर चलेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है देखिए, x/2 और +2y/3 बराबर -1, यहां से किसी एक पद का मान आप अच्छी तरह से निकाल लीजिए, मान लीजिए x वाला मैं मान निकालना चाहता हूं, तो -1 है +2y/3 इधर लाऊंगा तो क्या जाएगा -2y/3, ठीक है, यहाँ पर भिन्न का जोड़ बना रहा हूँ, 1/2 3 को इधर ला दूंगा तो -3 घटाओ 2y बटा हो जाएगा 3, यहाँ पर 2 भागा में तो ऊपर कहाँ चलाएगा गुना में, ठीक है ना, तो x बराबर हो जाएगा 2 × -3 घटाओ 2y अब बटा हो जाएगा 3, इसलिए x का मान निकल जाएगा 2 से गुना कर दिया, द्वितीय 6 -6y -6 घटा 2 × 4y अब बटा हो जाएगा 3, इसको लेकर चलेंगे समीकरण 3, x का मान क्या निकला समीकरण -6 -4y अब बेटा 3, ये x का मान निकल गया, ये जो x का मान निकल गया समीकरण 2 में पुट कर देंगे y का मान निकल जाएगा। चलिए समीकरण 2 में
एक्स का मान रखने पर, समीकरण टू में, समीकरण टू क्या है देखिए, एक्स घटाओ वाई बटा थ्री बराबर थ्री, ये समीकरण टू है। अब एक्स का मान निकाल चुके, एक्स का मान है माइनस छः घटाओ फोर वाई अब बटा थ्री, और उसके बाद माइनस वाई बटा थ्री बराबर थ्री। यहाँ देखिए लसा से में तीन तीन का लसा तीन हो जाएगा, तीन का पार्ट एक बार पढ़ेंगे, एक का ऊपर से गुना करेंगे, कोई ऐसा नहीं पड़ेगा, भिन्न का घटाओ बनाएगा हो जाएगा माइनस छः घटाओ माइनस फोर वाई घटाओ, या तीन का पार्ट एक बार पढ़ेंगे तो एक आएगा, एक का वाई से गुना कर देंगे वाई अब बराबर हो गया थ्री, तो माइनस छः माइनस चार वाई माइनस एक वाई माइनस पाँच वाई अब बेटा यहाँ पर देखिए थ्री भागा में इधर चलाएगा गुना में, तो थ्री गुना हो जाएगा थ्री, तो माइनस छः माइनस पाँच वाई तीन तीन की हो जाएगा नौ, यहाँ माइनस पाँच वाई को छोड़िए ठीक है, यहाँ पर माइनस छः को उस साइड ले जाएंगे तो नौ माइनस छः को उधर ले जाएंगे प्लस छः हो जाएगा ठीक है, माइनस पाँच वाई नौ और छः कितना हो गया पंद्रह, ध्यान से समझेंगे एक एक बात को। यहाँ पर वाई को छोड़कर माइनस पाँच गुना में इधर कहाँ चलाएगा बटा में, तो हो जाएगा यहाँ पर वाई बराबर पंद्रह अब बटा माइनस पाँच ठीक है, पंक्ति आई पंद्रह, इसलिए वाई का मान निकल गया माइनस तीन। ओके अब ये जो वाई का मान निकल गया समीकरण तीन में पुट कर देते हैं, समीकरण तीन में वाई का मान रखने पर, समीकरण तीन में वाई का मान रखते हैं, समीकरण तीन क्या है एक्स बराबर माइनस छः घटा फोर वाई बटा थ्री, तो माइनस छः घटाओ फोर अगुना वाई, वाई का मान कितना निकले हैं माइनस तीन अब बटा तीन, देखिए माइनस छः है माइनस माइनस प्लस होएगा चढ़ती है बारह बटा तीन हो गया, बारह में से छः घटेगा छः बटा तीन, तीन दुना छः बराबर दो, अतः एक्स का मान निकल गया दो और वाई का मान निकल गया माइनस तीन। तो इस प्रकार आपका सल्व हो गया वन का फोर, मतलब वन का फोर प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से सल्व हो गया। तो इस प्रकार आपका खत्म होता हुआ एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3, 4। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में एक नई क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे, अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।